करीब 2 महीने पहले एक अभूतपूर्व प्रयोग के तहत अमेरिका में जिस व्यक्ति को सुअर का हृदय लगाया गया था उसकी मौत हो गई है। सर्जरी करने वाले मैरीलैंड अस्पताल ने बुधवार को ये जानकारी दी। डेविड बैनेट 57 वर्ष की मंगलवार को यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड मेडिकल सेंटर में मौत हो गई। डॉक्टरों ने उसकी मौत की वजह तो नहीं बताई, लेकिन कहा कि कई दिन पहले उसकी हालत बिगड़नी शुरू हो गई थी। बेनेट के बेटे ने इस नई तरह के प्रयोग के लिए अस्पताल की तारीफ की थी और कहा था कि परिवार को उम्मीद है कि इससे अंगों की कमी को दूर करने के प्रयासों में मदद मिलेगी। बेनेट की सर्जरी 7 जनवरी को हुई थी, जिसके बाद उसके बेटे ने कहा था कि उसके पिता जानते हैं कि इस प्रयोग के सफल रहने की कोई गारंटी नहीं है। शुरू में बेनेट के शरीर में सुअर का हृदय काम कर रहा था और मैरीलैंड अस्पताल ने समय समय पर ताजा जानकारी दी कि बेनेट धीरे धीरे स्वस्थ हो रहे हैं। पिछले महीने अस्पताल ने उनका एक वीडियो जारी किया था, जिसमें वो अपने फिजिकल थेरेपिस्ट के साथ काम करते हुए अस्पताल के बिस्तर से फुटबॉल का मैच देख रहे थे। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।